महावीर स्वामी की। प्रभु नूर का दीवाना प्रभु को ही ढूंढता है। प्रभु नूर का दीवाना प्रभु को ही ढूंढता है। जो नूर हम सभी में उसको ही ढूंढता है। जो नूर हम सभी में उसको ही ढूंढता है। प्रभु नूर का दीवाना प्रभु को ही ढूंढता है। मंदिर में वो क्या मिलते रहे, बैकुंठ में क्या बसते रहे। मंदिर में वो क्या मिलते रहे, बैकुंठ में क्या बसते रहे। वो छिपा तेरे अंदर बाहर क्या ढूंढता है। वो छिपा तेरे अंदर बाहर क्या ढूंढता है। प्रभु नूर का दीवाना प्रभु को ही ढूंढता है। प्रभु नूर का दीवाना प्रभु को ही ढूंढता है। पूजा रचाई हर शाम को, छोड़ा नहीं कभी बदकाम को। पूजा रचाई हर शाम को, छोड़ा नहीं कभी बदकाम को। मिलकर बिना मिलेगा जिसको तू ढूंढता है। मिलकर बिना मिलेगा जिसको तू ढूंढता है। प्रभु नूर का दीवाना प्रभु को ही ढूंढता है। नूर निराला हर नूर है, वो नूर क्या किस से दूर है। नूर निराला हर नूर है, वो नूर क्या किस से दूर है। खुद दूर जाके बैठा फिर नूर ढूंढता है। खुद दूर जाके बैठा फिर नूर ढूंढता है। प्रभु नूर का दीवाना प्रभु को ही ढूंढता है। आश्रव को त्यागो संवर ग्रहो, मस्ती में उसके हरदम रहो। आश्रव को त्यागो संवर ग्रहो, मस्ती में उसके हरदम रहो। कहते हैं हमको गुरु वै भक्ति को ढूंढता है। कहते हैं हमको गुरु वै
भक्ति को ढूंढता है, प्रभु नूर का दीवाना प्रभु को ही ढूंढता है। जो नूर हम सभी में उसको भी ढूंढता है, प्रभु नूर का दीवाना प्रभु को भी ढूंढता है। कमर सीधी, चित्त शांत, आंखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास। ओ शांति शांति शांति। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए दिगंबर आचार्य पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मंदिर मार्गी आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की। बोलिए स्थानक वासी आचार्य सम्राट श्री शिवमुनि जी महाराज की। बोलिए तेरा पंथ आचार्य पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की। बोलिए जैन धर्म की। बोलिए श्रमण संघ की। सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। आध्यात्मिक चातुर्मास 2018 के निमित्त इस गोड़वाड भवन में विराजमान मेरे सरल आत्मा महाश्रमण भन्ते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, मेरे उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य श्री रविन्द्र मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। मेरे तपस्वी श्री ऋषभ मुनि जी महाराज सहित समस्त प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का अहिंसा समोसरण के इस पावन प्रांगण में हार्दिक
हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी भावना की भावधारा, मेरी भावना की मंगल प्रार्थना, बड़े ही करीने से, बड़े ही तरीके से महाकवि जुगल किशोर मुख्तियार ने इस मेरी भावना की रचना की है। आत्मीय गुणों को बड़े तरीके से गूंथा है, गुंफित किया है। मेरी भावना की अगर हम गहरी चिंतना करें या गहरा चिंतन करें तो हमें अपनी आत्मा की अनुभूति होती है। आत्मा की अनुभूति ही अध्यात्म का सार है। आत्मा की अनुभूति ही हमारी समस्त अध्यात्म क्रियाओं का नवनीत है। किसी भी धर्म क्रिया को करते करते अगर हमें आत्मा की अनुभूति नहीं होती है तो वो धर्म क्रिया ऐसे ही है जैसे सुगंध रहित पुष्प और प्राण रहित शरीर। अपनी अनुभूतियों से मेरी भावना को बड़ा ही जीवंत बनाया है। आज हम मेरी भावना के छठे पद की शुरुआत करते हैं। छठे पद में महाकवि युगवीर जी हमें हमारी भावना के माध्यम से क्या प्रेरणा दे रहे हैं पहले उसका उच्चारण करते हैं। गुणी जनों को देखे हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे ओर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, हो नहीं कृतघ्न कभी में, द्रोहो न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई भी हम प्रार्थना और कोई भी हम साधना इसलिए करते हैं ताकि हमारे जीवन में अच्छाई का प्रवेश हो सके। प्रार्थना और साधना की उपस्थिति में हमारे अंदर की गंदगी बाहर निकल सके।
बाहर का शुद्ध वातावरण अंदर प्रवेश करे, अंदर जो दुर्गुणों की दुर्गंध है वो बाहर निकल सके। प्रार्थना का एक ही उद्देश्य है, सुगंध से जुड़े, दुर्गंध से हटे, अच्छाई से जुड़े, बुराई से हटे। और ये मंगलमय प्रार्थना की एक बहुत अद्भुत शक्ति है। महात्मा गांधी प्रार्थना को अपने दिन की शुरुआत मानते थे कि मैं दिन का प्रारंभ भगवान से जुड़ करके ही करूंगा। उस अनंत शक्ति सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत दिव्य आत्मा, महान आत्मा का स्मरण करने के बाद मेरे अंदर जो उनके स्मरण करने से उनके कुछ भी गुण, उनकी ऊर्जा, उनकी अनुभूति अगर मेरे अंदर प्रवेश करती है तो वही मेरा बल है, वही मेरी शक्ति है, वही मेरी ताकत है। और प्रार्थना में जबरदस्त ताकत होती है। इसलिए हम दिन का प्रारंभ हमेशा भगवत भजन से, भक्ति से, मंगल प्रार्थना से, मंगल स्तोत्रों से, क्योंकि ये स्तोत्र जितने भी रचे गए हैं तो आप समझ सकते हो उन स्तोत्रों की रचना तभी हुई होगी जब एक रचयिता अपने आराध्य से इस कदर जुड़ गया, उनके गुणों में इस कदर घुस गया, उनके गुणों को ऐसे अनुभव करने लगा, उनकी अनुभूति करते करते भाव विभोर हो गया। और भाव विभोर होने की अवस्था में उस महापुरुष के जो गुण हैं उनको शब्दों में बांधने लगा और प्रार्थना की रचना करने लगा। तो आप ये देखिए कि प्रार्थना के क्षणों में या भक्ति के क्षणों में जब कोई भी भक्त हृदय अपने परमात्मा से इतनी आत्मीयता से जुड़ जाता है कि उनके गुण उसके समक्ष सामने प्रकट होने लगते हैं और वो भाव विभोर होकर के जो भी गाता है, जो भी लिखता है, वो स्तुति बन जाती है, वही प्रार्थना बन जाती है। तो ऐसी प्रार्थना के सानिध्य में रहने से उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा हमसे भी जुड़ जाती है। ये तो केवल भक्त हृदय ही अनुभव कर सकता है और भक्ति के क्षणों में होता है ये। तो इसलिए कहते हैं कि गुणों का स्मरण करने से हमारे जीवन में अच्छाई का प्रवेश होता है। फिर एक सवाल उठा कि अच्छाई है क्या, अच्छाई किसको कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं अच्छाई के मायने क्या है, अच्छाई की परिभाषा क्या है, तो क्या बोलोगे आप। चलो आप केवल श्रोता हो, क्योंकि महाराज हम सुन रहे हैं यही बहुत है, सवाल कम किया करो। सवाल करोगे तो हम सवाल का जवाब नहीं देंगे। और मैं सवाल इसलिए करता हूं कि कुछ ना कुछ अंदर से निकले, क्या पता सही निकल जाए। कभी कभी संकोच कर जाता है बोलने में, जवाब जबान पर होता है लेकिन संकोच अंदर ही रहने देता है। अच्छाई के मायने क्या है, उसकी शुरुआत क्या है। अच्छा सोचना, अच्छाई कैसे बनती है। अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना। क्योंकि जब बंदा अच्छा सोचता है तो स्वाभाविक वो अच्छा बोलता भी है, और जब कोई अच्छा बोलता है तो अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। ये सब क्रिया जुड़ जाती है। देखिए
मन में प्रारंभ होता है अच्छाई का, क्योंकि अच्छा सोचना, ये मस्तिष्क है, जब अच्छा सोचता है तो अच्छे सोचने का एक फल मिला कि वाणी में भी अच्छाई आ गई, वाणी में भी मिठास आ गई, वाणी में भी सकारात्मकता आ गई, वाणी में भी माधुर्य आ गया कि अच्छा बोलता है फिर वो। अगर वो अच्छा सोचता रहे, अच्छा बोलता रहे, तो वो अच्छाई से जुड़ा रहता है, फिर खुद बे खुद अच्छा करने भी लगता है। इसको हम अच्छाई कहते हैं। केवल अच्छाई शब्द के अंदर ये तीन चीजें जुड़ी हुई हैं, समाहित हैं, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना और अच्छा करना, इसको हम अच्छाई कहते हैं। और बुराई किसको कहते हैं? बुरा सोचना, बुरा बोलना और बुरा करना, ये बुराई। अच्छाई और बुराई की यही तो एक परिभाषा है। जब हम अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें तो अच्छाई, जब बुरा सोचे, बुरा बोले, बुरा करे तो बुराई। और देखिए, दो शब्द आते हैं या दो तरह के वाक्य खंड हैं या दो तरह की सोच है। एक सोच है मैं अच्छा हूं, पहली बात, लोग मुझे अच्छा कहते हैं, दूसरी बात। हम दोनों में अंतर समझना, मैं अच्छा हूं या आप अच्छे हैं, एक बात है ये, लोग आपको अच्छा कहते हैं ये दूसरी बात है। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में एक अंतर है, मैं अच्छा हूं, अगर आपका जमीर आपको बोल रहा है, आपका कॉन्शस आपको बोल रहा है, जब आप अंदर से गलत नहीं हो, अंदर से किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, किसी प्रकार की बुरी सोच नहीं, बुरे भाव नहीं, आप अंदर से अच्छे हो, ये बिल्कुल एक अलग चीज है। और एक सोचे लोग आपको अच्छा कहते, ये समाज का और धर्म का एक नियम है। समाज क्या कहती है आपको? समाज कहती है आप अच्छे दिखाई दो, चाहे आप अंदर से अच्छे हो या नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस आप अच्छे दिखाई दो। हाँ। और धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है आप अंदर से अच्छे बनो, ये धर्म की परिभाषा है। और सुन लीजिए आप, वाणी और व्यवहार से, वाणी यानी जबान से भी आप अच्छा बोल सकते हो और व्यवहार भी आप अच्छा रख सकते हो, लेकिन आपने अच्छा बोला भी, अच्छा व्यवहार भी रखा, लेकिन अंदर से आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो आप कंप्लीट अच्छे नहीं हो। वो एक दिखावा हो सकता है, वो एक बहकावा हो सकता है, वो आपको गफलत में डाल सकता है। क्योंकि समाज और कानून तो एक बात कहता है कि भाई आप अच्छे दिखाई देने चाहिए, कानून आपके ऊपर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन कर्म एक बात कहते हैं कि भैया तू ऊपर से कितना भी अच्छा बोल, कितना भी अच्छा दिखाई दे, लेकिन अगर तू अंदर से गंदा है तो मैं तुझे पकड़ लूंगा। हाँ, कर्म नहीं पकड़ेगा। आप दुनिया को धोखे में डाल सकते हो, क्योंकि दुनिया तो वही देखेगी जो दिखाई देता है। आप अंदर से कहते हो वो आप जानते हो या आपका परमात्मा जानता है? आप अंदर से कहते हो कैसे हो ये आपका जमीर जानता है। तो जोर किस बात का है? जोर इस बात का है कि आप अंदर से अच्छे बनो। ठीक है, कुछ लोगों को आप अच्छे नहीं लगते, वो लोगों की सोच है, लेकिन अगर आप अंदर से अच्छे हो तो ये आपकी अपनी संपत्ति है। फिर एक सवाल हुआ
कि अच्छाई में आदमी को इतना आकर्षण क्यों है, एक ये भी एक सवाल पैदा उठता है, अच्छाई में आकर्षण क्यों है? क्योंकि एक छोटे से बच्चे से भी पूछो, बोल बच्चे तू अच्छा है या बुरा, तो तुरंत बोलता जी मैं तो अच्छा हूं। यानी कोई अपने आप को बुरा नहीं कहता, जो बुरे हैं वो भी यही बोलना पसंद करते हैं कि बुरा भी ये नहीं चाहता कोई मुझे बुरा बोले। देखो तो सही, किसी क्रोधी व्यक्ति को भी ये भाव रहते कि लोग मुझे कहे कि तू अच्छा है, यानी अंदर क्रोध है, अंदर बुराई है, लेकिन फिर भी एक आकर्षण रहता है कि लोग मुझे अच्छा बोलें। हाँ, क्योंकि अच्छा सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अगर हम किसी को कह देते ना कि तू बहुत अच्छा है, तो अंदर बड़ी तसल्ली मिलती है, तो चलो कोई बात नहीं, गलतफहमी ही सही है तो सही। पर लेकिन ये अच्छे के अंदर एक आकर्षण क्यों आया, इसकी एक वजह है, और उसकी वजह है कि आपकी आत्मा श्रेष्ठतम है। हाँ, ये भी बतला रहा हूं, आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है वो अच्छा ही है। जब आदमी अपने जमीर के निकट आता है या अपनी आत्मा में डुबकी मारता है या अपनी आत्मा का चिंतन करता है, तो उसमें कोई कमी नहीं है, आत्मा अपने आप में अच्छी है। पूरे ब्रह्मांड में आत्मा का जो अंश है सर्वश्रेष्ठ है, आत्मा प्रत्येक व्यक्ति की महान है। वो बात अलग है कि किसी वजह से या कर्म की वजह से, किसी अंतराय की वजह से, अब जैसे हीरा कीचड़ में गिर गया, तो कीचड़ में गिरने से हीरे की कीमत कोई कम होती है? वो बात अलग है कि कीचड़ में पड़ गया है, वो गंदा हो गया है, लेकिन उसे हम जब निकालेंगे और साफ करेंगे तो उसकी कीमत वही की वही है। तो जो बुराई में पड़े हुए हैं वो अपने आप में हीरे हैं, पर लेकिन करें क्या, वो कीचड़ में फंस गए किसी भी कर्म की वजह से, किसी भी बुरे सोच की वजह से, या संसार के आकर्षण की वजह से, 18 पाप कर्मों की उदय से, या 8 कर्मों के प्रभाव से वो आत्मा कीचड़ में गिर गई है, संसार की दलदल में गिर गई है। लेकिन उसमें गिरने के बावजूद भी उसके अंदर जो कीमत है वो उसकी बरकरार है। अब जैसे सोने के ऊपर, स्वर्ण के ऊपर मिट्टी की परत दर लिपटती चली जाए, तो मिट्टी की परत दर लिपटती चली जाए तो भी उसके प्रभाव से सोने की कीमत, सोने की तो कीमत वही है ना, सोने की कीमत में कोई कमी नहीं है। जिस दिन वो मिट्टी की परत हट जाएगी, चाहे वो तपने के माध्यम से हटे, जिस दिन वो परत हट जाएगी, तो उसका जो चमकता हुआ रूप है, दमकता हुआ रूप है, वो प्रकट हो जाएगा। वो बात लगे कि मिट्टी ने उस चमक को क्या कर रखा है, दबा रखा है। लेकिन जिस दिन वो मैल, जिस दिन वो मिट्टी की परत सोने के ऊपर से हट जाएगी, तो उसके अंदर जो चमक है मौजूद, जो स्वाभाविक चमक है, वो चमक वापिस आ जाएगी। इसलिए आत्मा जो है अपने आप में शुद्ध है, आत्मा जो है अपने आप में श्रेष्ठ है, लेकिन संसार या मन, मोह, आसक्ति, बुराइयों की वजह से इसके ऊपर जो मैल लग गई है, उसकी वजह से हम कभी कभी गफलत में आ जाते कि आदमी घटिया है। लेकिन आत्मा घटिया नहीं है, उसको घटिया बनाया है बुरी सोच ने, और बुरी सोच आती है कर्मों के प्रभाव से, मोहनीय कर्म के प्रभाव से, अंतराय कर्म के प्रभाव से, ज्ञानावरणीय कर्म के प्रभाव से, दर्शनावरणीय कर्म के प्रभाव से। ये जो अंतराय आ जाती है ज्ञान के ऊपर, दर्शन के ऊपर, यानी हमारी श्रद्धा के ऊपर जो एक आवरण आ जाता है, और इस आवरण की एक ही वजह है, वो वजह है मोहनीय कर्म। मोह के अंदर, मन और मोह के दायरे में जब ये आत्मा रहती है, जीती है, भटकती है, तो ये ऐसी है कि मोह एक कीचड़ है, मोह एक कीचड़ है, मोह एक मिट्टी की परत है, आत्मा स्वर्ण है। लेकिन इस स्वर्ण के ऊपर मोह की मिट्टी का लेप चढ़ता गया, तो इसकी चमक फीकी पड़ गई,
ऊपर से, क्योंकि मिट्टी ने कब्जा कर लिया है। जिस दिन मिट्टी हट जाएगी, चमक तो जैसी थी वैसी की वैसी प्रकट हो जाएगी। तो उस चमक को प्रकट करने के लिए हम क्या करें, उसके लिए बोला है महाकवि युगवीर ने, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा। ये इसलिए बोला कि गुणी जनों को देखने के बाद अगर आपके अंदर अहोभाव पैदा होता है, गुणी जनों को देखने के बाद अगर आपको अपने अंदर छुपी हुई कमी नजर आने लग जाती है, क्योंकि कमी तभी तो आएगी ना नजर, कि इसमें कितनी क्षमा है और मैं छोटी छोटी बातों पर उबल जाता हूं, ये कितना संतोषी है और मैं कितना लोभी हूं, ये गुणी जनों को देखने के बाद हमें अपनी कमी नजर आ जाती है। और गुणी जनों को इसलिए देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए ताकि हम अपने आप को जान सकें। अगर इस संसार में गुणी भी रह रहा है, सद्गुणी भी रह रहा है, और इसी संसार में दुर्गुणी भी रह रहा है, यानी दुर्गुणी और सद्गुणी के रहने में कहीं संसार में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि दुनिया में दुर्गुणी ही रहते हैं, सद्गुणी भी तो रहते हैं। अगर सद्गुणी इस दुनिया में रह सकता है, दुर्गुणी अगर इस दुनिया में रह सकता है, तो सद्गुणी भी रह सकता है। इसका मतलब एक बात स्पष्ट हो गई है कि गुणी और दुर्गुणी के रहने में संसार कहीं बाधा नहीं डालता है, बाधा कहीं अंदर आती है। दूसरी बात यह भी बोली है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, कि गुणी जनों को देखकर अगर आनंद की अनुभूति होती है, उनके प्रति प्रेम पैदा होता है, उनके प्रति सम्मान की भावना पैदा होती है, इसका एक प्रभाव और होता है। कौन सा? गुणियों को अगर हम प्रेम करते हैं, सद्गुणी को अगर हम स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो आपने एक तरह से गुण की अनुमोदना कर दी है। तभी तो हम बोलते हैं कि अगर तुमसे तपस्या नहीं होती है तो मत करो, लेकिन जो तपस्या कर रहे हैं उनकी क्या करो, अनुमोदना करो। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर कसायों की प्रचुरता है, रहने दो, कोई बात नहीं, लेकिन जिनमें कसायों के अंदर कमी है उनकी अनुमोदना करो तुम, कि मेरे किसी अंतराय कर्म की वजह से मेरे में ये कमी है, लेकिन धन्य हो इन्होंने इस अंतराय को तोड़ रखा है। यानी सामने वाले गुणी को देखकर उसका गुणगान करने से या गुणानुवाद करने से, अनुमोदना करने से आपकी अंतराय टूट सकती है। इतने से तो गुणी जनों को देखकर आपके अंदर प्रेम बढ़ना चाहिए। एक शब्द आता है गुणीशु प्रमोदम। क्या शब्द है? गुणीशु प्रमोदम, यानी गुणियों के अंदर जो सद्गुणी है उनको देखने के बाद हमारे अंदर प्रमोद की भावना आए। आपने कल तीन भावनाओं की पूर्णता सुनी, मैत्री भावना, करुणा भावना, मध्यस्थ भावना, पिछले वाले पद में, पांचवें पद में, और चौथे पद के अंदर जो शुरुआत हो रही है वो शुरुआत हो रही है प्रमोद भावना से। प्रमोद भावना, आपको कुछ नहीं करना, केवल गुणियों को देखकर प्रसन्न होना, गुणियों को देखकर उनका गुणानुवाद करना, और कुछ भी नहीं करना जी आपको। गुणी को देख करके अंदर से एक प्रसन्नता की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, कि ठीक है मेरे अंदर ये विशेषता नहीं है, लेकिन जिनमें ये विशेषता है उनकी मैं पूजा करता हूं, उनका मैं गुणगान गाता हूं, उनके बारे में दूसरों को कहता हूं कि वो है गुणवान। अगर किसी के दर्शन करने तो उनके दर्शन कीजिए। गुणीशु प्रमोदम, ये बहुत गहरी बात है। और इसके लिए कहते हैं
कंखे गुने जाव शरीर भेऊ, ये भगवान महावीर ने बोला है। जो बात अनुभव के आधार पर आगमों में जो पढ़ा है, साहित्य की जो साधना की है, आध्यात्मिक ग्रंथों का जो अवलोकन आलोडन विलोडन और गंभीर मंथन किया है, मंथन करने के बाद चिंतन करने के बाद युगवीर ने जो ये पहले छठे पद की जो पहली पंक्ति लिखी है मैत्री, जो कहा है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, वही बात भगवान बोल रहे हैं। कंखे गुणे जाव शरीर भेऊ, कंखे यानी कांक्षा, कांक्षा यानी आकांक्षा, आकांक्षा यानी पिपासा, कांक्षा यानी इच्छा करना, चाह रखना, ये दूसरी चाह है, आप वाली नहीं, ये चाह कौन सी, एक तड़फना। कंखे गुने जाओ शरीर भेऊ, मैं गुणों की इच्छा कब तक करूं, जाओ शरीर भेऊ, जब तक मेरा शरीर है, जब तक मैं शरीर में हूं, जब तक इस शरीर में हूं, तब तक मैं गुणों की इच्छा करूं, गुणों की आकांक्षा करूं, किसी में गुण देखूं तो उनकी पहले सराहना करूं, उनकी इतनी अनुमोदना करूं। अनुमोदना करते करते एक लाभ और हो जाता है कि सामने वाले के गुण हमारे अंदर ट्रांसफर होने शुरू हो जाते हैं। केवल दुकान पर जो माल है उस माल को खरीदना है तो भैया पैसे खर्च करने पड़ते हैं, मन चाही चीज खरीदने के लिए उसकी जितनी कीमत है वो आपको क्या करनी पड़ती है, चुकानी पड़ती है, उतनी कीमत दो और चीज अपनी कर लो। लेकिन भगवान कहते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं करना, अंटी खाली नहीं करनी, करनी तो एक काम करना है कि सामने वाले गुणी जनों को देखकर आपने उनका गुणानुवाद करना है, और वो भी दिल से, ऊपर से नहीं, दिल से गुणानुवाद करना है। वाह, आज मेरा अहोभाग्य है, आज मेरी खुशकिस्मत है जो ऐसे सद्गुणी के दर्शन हुए, ये मेरा सौभाग्य है। आपको इतना भावुक हो जाए, इतनी भावुकता अपनाते ही सामने वाले के गुण आपके अंदर भी आने शुरू हो जाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं आप बुढ़ापे तक बोलूं या ये कहूं जीवन की अंतिम श्वास तक, हाँ बस चले तो, जीवन की अंतिम श्वास तक आपकी आसक्ति धन में लगी रहती है, मैं पैसा कमा लूं, पैसा कमा लूं, और वो भी कब तक, जिंदगी की आखिरी, और जबकि मालूम है कि ये धन कितना भी कमा लूं सब कुछ मुझे यहीं पर छोड़कर जाना है। देखिए धन आप छोड़ करके जाओगे, लेकिन किसी गुणी के गुण अपना लिए आपने, वो गुण आपके साथ जाएंगे। तो कितनी विडंबना है ना, कितना घोर आश्चर्य है, जो चीज यहीं छोड़कर जानी है उसके प्रति तो इतनी दीवानगी, इतनी तड़फना मरते मरते भी, क्योंकि मैंने देखा है 103-3 बुखार में लोग दुकान जाते हैं, हाँ, और सिर में थोड़ा सा दर्द हो जाए, थोड़ी सी थोड़ा सा जुखाम हो जाए, स्थानक में आना छोड़ देते हैं। ना भाई जुखाम हो गया, आज तो थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा, आज तो बदन कुछ टूट रहा है, थोड़ा बदन टूटता है तो सबसे पहले क्या छोड़ते हो आप, भाई प्रवचन में कल जाएंगे, भाई कोई रिश्तेदार आ जावे, भाई चलो भाई आज तो छोड़ो, क्योंकि महाराज तो कभी नाराज होते ही नहीं, हाँ, और ये मारो रिश्तेदार नाराज हो गया तो काम खराब, चल महाराज को छोड़ो रिश्तेदार को पकड़ो,
पर लेकिन अगर आपके अंदर धर्म स्थान, धर्म गुरुओं के प्रति और गुणों के प्रति अगर गहरी अनुमोदना है, गहरी तड़फना है, गहरी आकांक्षा है, तो क्या पता आपकी इस तड़फना को देखकर जो अभी रिश्तेदार आपके घर में आया है वो आपसे प्रभावित होकर के वो भी आपके साथ यहां आने के भाव पैदा हो जाएं। अगर वो बाय चांस यहां आ गया और उसको कोई जीवन का अनमोल सूत्र मिल गया और उसके जीवन में बदलाव आ गया, तो आपको मुफ्त में बैठे बैठे धर्म दलाली हो गए। पर लेकिन ये केवल गुणानी रागियों में ही संभव है। गुणानी रागी बोला उसको, गुणानुरागी, यानी गुणों के प्रति जो अनुरागी है, गुणों की इच्छा करता है, गुणों की पूजा करता है, गुणी जनों की इज्जत करता है, उनको प्रेम करता है, उनका सम्मान करता है। और देखिए इसके बारे में बतलाया है, एक कथानक मुझे मिला पढ़ने को, एक राजा साली वाहन हुए, उनके गुरु थे कालिकाचार्य। एक बार उनके सानिध्य में एक प्रश्न किया, एक जिज्ञासा की राजा सालिवाहन ने कि गुरुदेव मृतक कौन, नहीं पहला सवाल किया जीवित कौन, किसको हम जिंदा कहें। तो उन्होंने एक शब्द ही बोला कि जिंदा वो है जो गुणवान है, जो शीलवान है। बड़ी गहरी बात कर दी, जो गुणवान है, जो शीलवान है, वो जिंदा है। तो फिर पूछा कि मृतक कौन, नुके जी मृतक वो है जो गुणहीन है, जिसमें कोई गुण नहीं और गुणियों के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं, जो निर्गुणी है। गुणहीन कहो या निर्गुणी कहो, या गुणियों को देखकर जिनमें चिढ़ मचती है, ऐसा व्यक्ति मृतक है। मृतक यानी मरा हुआ है। तो एक तीसरा सवाल कर दिया कि आप ये बात किस आधार पर कह सकते हो आप कि गुणी व्यक्ति जिंदा होता है, निर्गुणी व्यक्ति मरा हुआ होता है। ये आपने किस आधार पर कहा, कि इस आधार पर कहा कि एक बार मैं अपने आश्रम में अपने विद्यार्थियों के समक्ष मैं एक बात कह रहा था कि जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं वो पशु के समान होते हैं। धर्मेन हीना पशु भी समाना, जिसमें कोई धर्म नहीं यानी कोई अच्छाई नहीं, कोई गुण ही नहीं, वो पशु के समान है। मैं जंगल में था, आश्रम जंगल में हुआ करते थे, ये बात मेरी आसपास में घूमने वाले पशु पक्षियों ने, पेड़ पौधों ने सुन ली। तो उन्होंने एक मीटिंग करी, नुके आज कालिकाचार्य ने हमारी उपमा निर्गुणी के साथ क्यों दी, निर्गुणी के साथ क्यों हमारा कंपैरिजन किया, जो निर्गुणी है जिनमें कोई गुण नहीं उनके साथ हमारी उपमा क्यों दी। तो कहते हैं सबसे पहले एक मृग आया, उसने कालिकाचार्य से कहा कि आपने निर्गुणी के साथ हमारी तुलना क्यों की। तो क्या हो गया, कि जी कमाल है जी, पहली बात हम हरी घास खाते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, और जब मैं मर जाता हूं तो मेरी चमड़ी भी काम आती है, मेरे सींग भी काम आते हैं, मैं किसी काम का तो हूं, मरने के बाद भी काम आता हूं, जीते जी किसी को तड़फाता नहीं, किसी का बुरा करता नहीं, जीते जी किसी का बुरा नहीं करता, और मरने के बाद मेरी चमड़ी काम आती है, मेरी हड्डियां काम आती हैं, और आपने निर्गुणी के साथ हमारी उपमा कर दी। कालिकाचार्य ने कहा यह बात तो सही कह रहा है। वो निकल करके गया तो गाय आ गई, गाय ने कहा जी आपने निर्गुणी के साथ हमारी तुलना क्यों की, जबकि मैं तो सबको अपना दूध पिलाती हूं, गोबर भी मेरा काम में आता है, मूत्र भी मेरा काम में आता है, मेरी हर चीज काम में आती है, और जबकि मैं रूखा और सूखा खाती हूं, किसी का खर्चा नहीं करवाती, और आपने निर्गुणी के साथ मेरी तुलना, बड़ा दर्द हुआ सुनकर के। यार बात तो ये भी सही कह रही है,
इसके बाद कई पक्षी आ गए, पक्षियों ने भी अपने अपनी विशेषता बताई। इसके बाद पेड़ पौधों ने भी बोला कि हम निर्गुणियों से तो हम भी अच्छे हैं, कम से कम हम किसी को छाया तो देते हैं, पत्ते तो देते हैं, ईंधन तो देते हैं, हमारे ईंधन के बलबूते पर लोग रोटियां पकाते हैं, फल देते हैं, खाने को देते हैं, और आपने हमारी तुलना निर्गुणी के साथ। अरे यार, बात तो ये भी सही कह रहे। एक छोटे से घास के तिनके ने भी कहा कि हमारी उपमा निर्गुणी के साथ मत कीजिए, क्योंकि हम भी भूखे पशुओं की भूख मिटाते हैं, हम भी किसी के काम आते हैं। ओहो, तब आश्चर्य और हो गया। जो राख होती है, राख, हाँ राख, उस राख ने भी कह दिया कि निर्गुणियों से तो हम तो अच्छे हैं, कम से कम हम गंदे बर्तन साफ करने में काम तो आती है। राख ने बोला, जो राख जिसको हम बोलते हैं, कि गंदे बर्तनों को साफ करती है। और जैन संतों का लोच होता है तो, क्योंकि राख जो होती है ना वो एंटीसेप्टिक होती है। हाँ, आपने देखा होगा जैन संत राख का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि केश लुंचन करते करते जो खून निकलता है तो घाव नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो एंटीसेप्टिक होती है, हाथों को रूखा कर देती है, जितने बाल पकड़ने उतने बाल पकड़ में आ जाते हैं, ये काम करती है। राख ने भी जब ये बोला, तब कालिकाचार्य ने कहा कि मुझे इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नजर नहीं आई जिसकी उपमा मैं निर्गुणी के साथ कह सकूं। जब फिर मैंने ये सार निकाला कि निर्गुणी व्यक्ति मृतक के समान होता है, वो जीते जी मरा हुआ है, उसकी तुलना किसी भी संसार की चीज के साथ नहीं कर सकता। तो अगर आपके अंदर जो घमंड है ना एकदम निकल जाए कि हम हैं कहां। समय हुआ आपका। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साची बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पल जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिले गियाए, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मर घट में बिक गया राजा, बिक गई तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी, जिन धर्म के प्यारे लोगों, यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए।
बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोग सुन रहे थे कल कि रानी ने अपनी कर्तव्य निष्ठा के बलबूते पर राजा हरिश्चंद्र के दिल के दीपक में जो कर्तव्य की ज्योत बुझ गई थी उस दीपक को पुनः जला दिया। इसलिए नर से भारी नारी यानी कल्याणी कहा है इसको। इसलिए कहा है जब ये सुधार पर आती है तो अच्छे अच्छे बिगड़े हुओं को सुधार देती है, लेकिन जब बिगाड़ पर आती है अच्छे अच्छे सुधरों को भी खमा। वेरी गुड। ये परिवर्तन है, और परिवर्तन आया तो ऐसा परिवर्तन आया कि जीवन बदल गया हरिश्चंद्र का। रोम रोम में सत्य ने प्रवेश कर लिया है। जब रोम रोम सत्य से भर गया तब एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? अखिल विश्व में सत्य ही एकमात्र है श्रेय, होता सत प्रतिज्ञ का त्रिभुवन में यश गेय। इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर कोई कल्याणकारी चीज है, मंगलकारी चीज है, तो उसका नाम है सत्य। सत्य सच्चम खु भगवम, सत्य भगवान के आधार पर, उनके आश्रय पर तीनों लोक टिके हुए हैं। जब तक सच्चाई है तब तक जिंदगी है, झूठ तो मृत्यु है। आप ये पतन है, झूठ में पतन है। और पूरे तीन लोक में सत्य प्रतिज्ञ का गुणगान गाया जाता है। लाखों साल हो गए लेकिन आज भी जब सत्य की बात आती है तो राजा हरिश्चंद्र का नाम आ जाता है। तो वजह तो रही होगी, कोई एक दिन में तो ये बात बन नहीं गई है। वो तो चले गए लेकिन आज भी उनकी महिमा आप लोग भी गाते हो और संत जन भी गाते हैं। स्वर्ग लोक में इंद्र देव की, अब तुम्हें जरा स्वर्ग में ले जा रहा हूं, सह शरीर चिंता नहीं करना, वैसे कोई ले जा रहा हूं, ऐसे हम भी चलते हैं थोड़ी देर के लिए। स्वर्ग लोक में इंद्र देव की सभा लगी है अति महती, नाना वेश विभूषा भूषित देव राज राजित वृहति, पारिजात की मालाएं सब और मनोहर लटक रही, मादक सुर भी गंध से सारी सभा भूमि है महक रही, रत्नों का आलोक समुज्वल प्रभा पुंज सा फैला है, प्रतिबिंबित देवी देवों का लगा भीति पर मेला है, एक एक से बजते कोमल वाद्य यंत्र सुषमा साले, कोकिल कंठी सुर बालाएं नाच रही हैं मतवाली, कहा इंद्र ने गान सदा ही विषय भोग के होते हैं, देव देवियां वृथा अमोलक समय पाप में खोते हैं, सर्वश्रेष्ठ है सत्य आज बस गान इसी का होने दो, मानस पट से मलिन वासनाओं का कलिमल धोने दो। इंद्र की सभा लगी हुई है, वाह, एक ऊंचे सिंहासन पर इंद्र बैठा हुआ है, सुधर्म सभा सजी हुई है, देवी और देवता बैठे हुए हैं, और
इस कदर विकूरना हो रखी है कि वो लाखों नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा अगर इन्हीं दीवारों पर शीशे लगा दें तो आप कितने नजर आओगे, कितने नजर आओगे, है ना। तो भीति पर वहां सुगंध उठ रही है, मालाएं लटक रही हैं, गंध उठ रही है, देवी देवताओं की वेशभूषा झिलमिल झिलमिल, रत्नों का प्रकाश फैला हुआ है, दिन जैसा उजाला, सभा सजी हुई है। वहां वादक यंत्र बज रहे हैं, संगीत के यंत्र बज रहे हैं, और संगीत भी ऐसा, आहा, देवी देवता झूम रहे हैं, कुछ अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, और उनके नृत्य को देखकर कोई अप्सराएं गा रही हैं, कोई नाच रही हैं, और उस दृश्य को देखकर देवी देवता मस्त हुए जा रहे हैं। उसी वक्त एक आवाज आई, खामोश, रुक जाओ। ये आदेश किसी और का नहीं, ये आदेश स्वयं देवराज इंद्र का था। सबके कदम वहीं ठिठक गए, जो जैसा बैठा था वैसा ही बैठा रह गया। अभी अप्सराएं नजर आ रही थी, गर्दन घूमी तो देवराज नजर आए। सभा को शांत होती देर नहीं लगी, देवराज की तरफ सभी प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगे। तब इंद्र ने कहा, तुम कितने मस्त हो जाते हो जब विषय भोग के गान होते हैं, मस्ती छा जाती है, लेकिन याद करो, अगर आज तुम इस देवलोक में विराजमान हो ये विषय भोग की वजह से नहीं, त्याग की वजह से। कुछ त्याग किया है, कुछ सत्य का पालन किया है, जिसकी वजह से तुम सबको देवलोक मिला है और देवी देवता बनने का सौभाग्य मिला है। तो आज मैं चाहता हूं कि बहुत वासनाओं को भड़काने वाले गीत सुने हैं, लेकिन आज हे देवियों, आप अपनी कला का नमूना पेश कीजिए कि सत्य की महिमा बताइए अपने मुख से। इतना सुनते ही सुर बालाओं ने गाना भी शुरू किया सत्य की महिमा में। क्या बोला वो आप भी बोलो। पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की, पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की। सत्य ही भगवान है पहले ये विश्वास कर लीजिए। पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की, पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की। पापी से भी पापियों की, पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की, पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की। पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की, पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की। तो करना क्या है, आगे को बढ़ा के पैर पीछे को हटाना क्या, आगे को बढ़ा के पैर पीछे को हटाना क्या, सूली हो या फांसी होवे दिल धड़काना क्या। प्राण भी दे रक्षा करनी, प्राण भी दे रक्षा करनी अपनी जबान की, प्राण भी दे रक्षा करनी अपनी जबान की। पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की, पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की।
सत्य के पुजारी होके फिर ललचाना क्या, सत्य के पुजारी होके फिर ललचाना क्या, विश्व की विभूति आगे हाथ फैलाना क्या, विश्व की विभूति आगे हाथ फैलाना क्या। एकमात्र अभिलाषा, अगर किसी भगवान से मांगना पड़े तो क्या मांगना, एकमात्र अभिलाषा, एकमात्र अभिलाषा सत्य के वरदान की, एकमात्र अभिलाषा सत्य के वरदान की, पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की, पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की। कंठी और मालाओं से गर्दन तुड़ाना क्या, कंठी और मालाओं से गर्दन तुड़ाना क्या, भूखे प्यासे रह रह कर तपसी कहाना क्या, भूखे प्यासे रह रह के तपसी कहाना क्या, बाहर से लेना क्या, बाहर से लेना क्या, यहाँ परख ईमान की, बाहर से लेना क्या, यहाँ परख ईमान की, पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की, पूजा रोज। ये कह दिया है कि चाहे तुम कितनी तपस्या कर लीजिए, कितनी भी माला फेर लीजिए, अगर तुम्हारा ईमान सच्चा नहीं है तो आपकी हर साधना अधूरी है, पूरी नहीं है। पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की, पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की। सत्य छोड़ नदी नालो, सत्य छोड़ नदी नालो तीर्थों पे मारा फिरा, सत्य छोड़ नदी नालो तीर्थों में मारा फिरा, वासना का मेघ घन घोर चारों ओर घिरा, मिथ्या भरे मन में फंस, मिथ्या भरे मन में फंस आत्मा हैरान की, मिथ्या भरे मन में फंस आत्मा हैरान की, पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की, पूजा रोज रचा लो मन में। यही सोच सोच के डुबकियां लगाई हैं हमने नदियों के अंदर, बड़ी बड़ी पवित्र नदियों में, कि वो पवित्र नदियां हमारे मन को पवित्र कर देंगी। मेरे भैया, आपके शरीर को तो पवित्र कर सकती हैं, लेकिन आपके मन को पवित्र तो केवल सच्चाई करेगी, सत्य करेगा। सत्य के आधार पर ही आप अपने मन को पवित्र कर सकते हो। और कवि आगे कहता है, सत्य की चमक चांद तेज सूर्य दिखे लाता, सत्य के प्रभाव से अमर विश्व झुक जाता, सत्य के सहारे, सत्य के सहारे धूरा जमी आसमान की, सत्य के सहारे धूर जमी आसमान की, पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की, पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की, पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की। जब पापी भी सत्य की शरण में आ जाता है तो वो पापी भी महात्मा बन जाता है, वो पापी भी परमात्मा बन जाता है। कब? जब पापी भी सत्य की शरण में आ जाता है। ये नजारा जब पेश किया गीत की संपूर्णता पर, देवराज इंद्र अपने सिंहासन से खड़ा हो गया, गाने वालों का, बजाने वालों का और नाचने वालों का ताली बजाकर स्वागत किया, वाह आनंद आ गया, आनंद आ गया। फिर उन्होंने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया, क्योंकि भावुक हो गए। जिस सत्य की इतनी महिमा है, कौन है जो ऐसे महान सत्य पर आज भी कोई चल रहा है, तो स्वाभाविक है
उस सत्य की झलक या सत्य की झांकी देखने के लिए अवधि ज्ञान का प्रयोग किया, मनुष्य लोक पर अपनी नजर दौड़ानी शुरू की, तो मनुष्य लोक के अंदर पृथ्वी लोक में अयोध्या और अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र, देवराज इंद्र की कल्पना में पूरी सृष्टि से अगर कोई उभर करके चेहरा आया है, कोई चरित्र आया है, कोई चित्र आया है, तो चित्र किसका है? राजा हरिश्चंद्र का। तो कहने लगे, स्वर्ग लोक में सुर होकर भी, क्या गहरी बात कही, स्वर्ग लोक में सुर होकर भी नहीं सत्य पर हम चलते, क्योंकि देवता सत्य की पालना पूरी तरह से नहीं कर सकते, उन्होंने ये अपनी कमी बताई है। स्वर्ग लोक में सुर होकर भी नहीं सत्य पर हम चलते, किंतु भूमि पर हरिश्चंद्र से नर न कभी प्रण से हिलते, हरिश्चंद्र की कृतिमति वाणी नहीं सत्य से खाली है, तिल में तेल दुग्ध में घृत की व्याप्ति समझने वाली है, हरिश्चंद्र को सत्य मार्ग से चलित कौन कर सकता है, भला कभी भी चंद्र उष्ण या रवि शीतल बन सकता है, आओ मिलकर सभी सत्य के गौरव की गाथा गाएं, हरिश्चंद्र के चरणों में कर वंदन पावन गति पाएं। जैसे ही बैठने लगे देवी देवता अपनी सभा में, इंद्र ने कहा कि नहीं, खड़े रहो, हम देवलोक में रहने के बावजूद भी हम सत्य की पूरी तरह पालना नहीं कर पाते, थोड़े से सत्य की पालना की उसके बलबूते पर हम देवलोक में देवता बने, देवी बने, लेकिन देवी और देवता बनने के बाद जो पुण्य किया था उसको हम केवल खर्च कर सकते हैं, हम पूरी तरह सत्य की पालना नहीं कर सकते। लेकिन कमाल है, धरती के ऊपर अयोध्या और अयोध्या में राजा, राजा होते हुए भी हो, उसके जीवन में उसकी मति और उसकी कृति, उसकी मति और कृति यानी उसकी सोच और उसका विचार और उसका आचार, दोनों में जो एक सामंजस्य है, समन्वय है, अद्भुत अद्भुत। और मैं एक बात कह सकता हूं, मैं उनके हृदय को बड़े अच्छे तरीके से देख रहा हूं कि हरिश्चंद्र को उसके सत्य से कोई भी डिगा नहीं सकता। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा कभी गर्म नहीं होता और सूर्य कभी ठंडा नहीं होता, सबके अपने अपने धर्म होते हैं, ऐसे ही हरिश्चंद्र है, उसको कोई सत्य से डिगा नहीं सकता। आओ सभी मेरे पीछे खड़े हो जाओ, वंदन करो हरिश्चंद्र को। वाह, हाड़ मांस की देह वाला, औदारिक शरीर वाला, मिट्टी से बना है शरीर, लेकिन उस मिट्टी में जो सत्य का फूल खिला है और उस फूल की जो सुगंध है, उसका जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को हम प्रणाम करें। वंदन किया, वंदन जब कर रहे थे तो उन्हीं देवी देवताओं के समूह में एक देवता खोपड़ी खराब होता है रे, हर किसी की प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। हाँ। और प्रशंसा केवल उन्हीं को अच्छी नहीं लगती है
जो मिथ्यात्वी होते हैं, क्योंकि सम्यक्त्वी हर किसी में गुण देख लेता है, लेकिन मिथ्यात्वी गुण में भी अवगुण देख लेता है, वही तो मिथ्यात्वी है। बस वो तो चिढ़ गया जी, इतना गुस्सा आया उसको इंद्र के ऊपर, भड़क गया, कहा कि शर्म नहीं आती, जो मनुष्य जो आदमी देवताओं की पूजा करते माथा रगड़ते हमारे आगे, उसके आगे हम रगड़े माथा, देव जाति का अपमान कर दिया है आज इस इंद्र ने, मैं नहीं मानता इसकी बात। चुपचाप खिसक लिया और दन दनाता हुआ अपने मंदिर में आया जहां वो रहता था, विमान है या मंदिर है स्थान है, वहां वो पहुंचा। क्रोध क्षुब्ध हो जलता भूनता, आहा, कभी कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा, क्रोध क्षुब्ध हो जलता भूनता अपने मंदिर में आया, देख मुखाकृति विकट अप्सराओं का मन भी घबराया, नाथ आज क्या कारण है, हाँ किस पर इतना कोप किया, घृणा हुई जीवन से किसको, सुप्त सिंह को छेड़ दिया। जो भड़कता हुआ मतलब कुछ ना कुछ आप समझ लो, क्योंकि गुस्से में आदमी पांव पटकता है, प्रेम में कोई पांव नहीं पटकता, पांव पटकता हुआ, दांत भीजता हुआ, भ्रिकुटी तानता हुआ, बड़बड़ाता हुआ, दंदनाता हुआ, क्रुद्ध और क्षुब्ध होता हुआ जैसे वो प्रवेश किया, उसकी अप्सराएं जो थी देखा, वो आज तो कुछ मामलों गड़बड़ है, आज तो मिस्टर तनाव में आ गए, एक दूसरे को देखा, एक ने हिम्मत करके पूछी क्या बात हुई, आज आप जरा नॉर्मल नहीं लग रहे, आज कुछ गड़बड़ है, आपकी मुखाकृति बतला रही है कि लगता है किसी को अपनी जिंदगी से नफरत हो गई है, क्योंकि जितना क्रोध आ रहा है, और ये क्रोध किसी के ऊपर जरूर निकालोगे, हमसे तो कुछ भूल तो नहीं हुई। कहा कि सुनो आज क्या हुआ तुम्हें पता है? गजी क्या हो गया? वो भोली भाली थी, क्या हुआ? क्योंकि चल छोड़ यार, आज तो रहने देते, कल बात करेंगे, क्योंकि अंदर से वो इतना व्यचलित हो रहा है, बेंगलोर का समय नजर आ गया, वो बेचारा अपनी भड़ास भी नहीं निकाल पाया। चलो कोई बात नहीं, कब तक खैर मनाएंगे, कल फिर निकालेगा, आएंगे। वीर नाम के हेरे मौते, गुरु नाम के हेरे मौते, मैं बिखराओ गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाओ गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाओ, जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारे आखिर वो कंगाल हुए, हो दौलत के जो बने पुजारे आखिर वो कंगाल हुए, सोना चांदे वालो सुन लो, लोहे कपड़े वालो सुन लो, बेंगलुरु वालो सुन लो, बात सुनाऊं खरे खरे, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यार, शोर मचाऊं गले गले, हो वीर नाम के हेरे मौत।
मोती गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले ले लो रे कोई राम का प्यार शोर मचाऊं गली गली हो शोर मचाऊं गली गली शोर मचाऊं गली गली शोर मचाऊं गली गली।